दोस्तों, आप में से बहुत बहुत सारे लोग जो हो, आप मेरे से पूछते हो कि सर इसका अलाइनमेंट का सिस्टम क्या है, इसका अलाइनमेंट कैसे कराना है, क्या कराना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि अलाइनमेंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसी इस कार की क्या क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है कि आपकी कार लेफ्ट या राइट भाग रही है, इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे अलाइनमेंट वाले जो जानता नहीं है उसको बताना है कि कैसे क्या सेट होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे स्टार्ट करूँगा कि आप नीचे ये पार्ट देखो, ये जो रॉड है, ये इसको कोई मैकेनिक आपके बोलेगा टेंशन रॉड, कोई मैकेनिक बोलेगा ब्रेक रॉड, कोई मैकेनिक बोलेगा बैलेंस रॉड, ये वाली रॉड, ठीक। ये आगे फ्रेम में कसाई आती है यहाँ। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपका जो टायर होता है, सस्पेंशन सिस्टम होता है, जब आप अग्रेसिव ब्रेकिंग करते हैं या पॉट होल्स आते हैं या स्पीड बम्पे से क्रॉस करते हैं या कुछ भी मतलब ऐसा फॉरवर्ड मूवमेंट होता है कार में और इम्पैक्ट आता है, तो ये आपका जो पूरा व्हील बेस, तो ये आपका पूरा जो व्हील बेस है कंप्लीट, इसको पीछे पुश होने से रोकता है, मतलब ये पीछे सरकने से इसको रोकता है, तो इसको खींच के रखता है आगे। अब सपोज अगर आपका ये नट अगर ख़राब हो रहा है, ये नट अगर ये ख़राब हो रहा है, स्लिप हो रहा है, तो आपका टायर फ्री रहेगा। अगर आपके बुश कट रहे हैं तो आपके टायर में फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट रहेगा पूरे सस्पेंशन सिस्टम में, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जिस भी साइड का लूज होगा उस तरफ भागेगी, क्योंकि आपका टायर, ये टायर जो है ये उस टायर के बैलेंस में ये वाला टायर पीछे हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी भागेगी इस तरफ, और अगर ये बहुत आगे खींच रहेगा और उधर का पीछे, तो आपकी गाड़ी भागेगी उस तरफ। तो इसके थ्रू आप गाड़ी का लेफ्ट राइट मूवमेंट जो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हो, भागने का सिस्टम इसको आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। इसका पीछे का बुश है, ये आगे का बुश है, ये आपको अप टू डेट रखने हैं दोनों बुश, और इसका खास ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इस कार में ये फ्रंट रियर व्हील ड्राइव कार है, फ्रंट व्हील ड्राइव कार नहीं है, तो इसमें आपका जो सिस्टम होगा वह ये होगा कि आपको टो जो होती है वो इन रखनी पड़ेगी, तो आपकी टोज एडजस्ट करने का मैकेनिज्म इसमें यहाँ से है, ये जो सिस्टम है बॉल जॉइंट के पीछे का, इससे आप इसकी टो इन और टो आउट कर सकते हो। मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को फोकस करने दो थोड़ी सी देर। हाँ, इसकी थ्रू आप टो इन और टो आउट सेट कर सकते हो, और इसकी टोज इन ही होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कैम्बर, मतलब टायर आपका स्ट्रेट लाइन में होता है तो थोड़ा सा इसमें टायर ही होते हैं, कैम्बर पॉजिटिव कैम्बर होगा इसमें, तो वो आप इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते अगर आपका कैम्बर ख़राब है, ये वाला मोमेंट खड़ा टायर, थोड़े से टायर यूँ झुके रहते हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है ऊपर का, ये हल्का सा बाहर होता है, मतलब टायर थोड़ा यूँ लगा रहता है, यूँ टेढ़ा इस तरीके से, ये पैरेलल में देखो, ये स्ट्रेट है, थोड़ा सा यूँ रहता है। अगर ये आपका मूवमेंट नहीं है तो ये आपके शिम के थ्रू एडजस्ट होगा, आप उसको बोल देना मैकेनिक को कि इसमें शिम्स लगानी है, वो लगा देगा, आपका कैम्बर बढ़ जाएगा, बट वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसके बेसिक अलाइनमेंट टूल्स है। मार्जिन, मैंने जितने तक अभी तक अलाइनमेंट कराया है, जो रेटिंग्स होती है अलाइनमेंट की, सब मैकेनिक अलग अलग करते हैं उनके हिसाब से, मतलब अलाइनमेंट व्हील शॉप वाले, सबका सिस्टम अलग अलग रहता है। बस ये कि स्टेयरिंग प्रॉपर रिटर्न आता है, टायर साइड में से नहीं घिसते और गाड़ी अननेसेसरी बबलिंग नहीं करती। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, बैलेंस रॉड, मैंने आपको ब्रेक रॉड जो बताई थी, ब्रेक रॉड का सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बिल्कुल अप टू डेट रखना है, तभी आपकी गाड़ी फुल्ली कंट्रोल में रहेगी, वरना उसके बिना आपकी गाड़ी इधर उधर भागेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये जो रॉड कसाई आ रही है, ये देखो आप पॉइंट, ये जो आपका इसमें सॉकेट है ना, ये आपका इसी एंगल में फिट होनी चाहिए, इसमें ये यूं नहीं होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए। वर्टिकल होगा तो क्या होगा, जब आपके शोकर अपसाइड डाउन मूवमेंट करेगा तो आपका जो ये ना ये बार ये ओवर ट्रेवल करेगी और आपका बुश है ना फट जाएगा जरा, मतलब थोड़े से स्पीड बम में आपका बुश ब्लास्ट हो जाएगा ये, तो आपको ये इसका ऐसा ही रखना है सॉकेट। अगर आपका खड़ा हो रहा हो तो उसको आप आड़ा करवाना मैकेनिक से बोल के, वरना आपकी बुशिंग भी जल्दी होगी, टायर बैकवर्डली बहुत जल्दी आपका चल जाएगा। सेम चीज़ उधर है, मेरे साथ हो चुका, मेरा ये मैकेनिक ने गलती से वर्टिकल कस दिया था, मेरी बहुत दिक्कत आ रही थी गाड़ी, इससे आपकी बबलिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है। ये इसके अलाइनमेंट टिप्स थे, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।